हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी दिल्ली वन रीजनल सेंटर ने आपको जो है गाइडलाइंस दी है कि आप जो है किस तरह से अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे। सो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। देखिए, मैंने दिल्ली आरसी वन की जो है वेबसाइट ओपन कर लिया है। यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपको असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस वाला पेज जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो आपको सिंपली जो है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्लिक है लिखा होगा, आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी जो है शीट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आपको दी गई है। सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आपको जो है अपना कोड एंड लोकेशन दी गई है। जो भी आपका स्टडी सेंटर कोड है, जो भी आपकी स्टडी सेंटर की लोकेशन है, उसका प्रॉपर एड्रेस जो है यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। एंड आपको जो है मोड ऑफ असाइनमेंट सबमिशन यहाँ पे लिखा गया है। सो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं, आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स दी गई है कि आपको किस तरह से जो है अपना असाइनमेंट सबमिट करने हैं। कुछ स्टडी सेंटर में आपको जो है गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है। कुछ स्टडी सेंटर में आपको कहा गया है कि आपको जो है हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी, वहाँ पे जो है आपसे ऑनलाइन असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सो यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, ये जो है आपको प्रॉपरली चेक करना होगा। जो भी आपका स्टडी सेंटर का यहाँ पे एड्रेस होगा, यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन किया गया है, कोड भी मेंशन किया गया है, आपकी जो है लोकेशन भी मेंशन की गई है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने असाइनमेंट को जो है सबमिट कीजिएगा। अदरवाइज आपके असाइनमेंट को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको जो है प्रॉपर गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना होगा अपने असाइनमेंट सबमिट करने से पहले। तो सबसे पहले हम ये पेज देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको बहुत सारे ऐसे स्टडी सेंटर मिलेंगे जिसमें आपको बोला गया है कि आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है, आपको हार्ड कॉपी ही करनी पड़ेगी। कुछ कुछ में वो आपको जो है लिंक दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है कि अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आपको ऑफलाइन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपको आपके रीजनल सेंटर ने जो है प्रोवाइड कर दी है। अब बात करते हैं असाइनमेंट सबमिट किस तरह से करना है। आपका जो भी स्टडी सेंटर होगा आप उसका अकॉर्डिंगली अपना जो है गूगल फॉर्म ओपन कीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ये वाला ओपन करके देख लेते हैं। एग्जांपल के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद चलिए यहाँ पे एरर आ रखा है, कुछ टाइम बाद जो है इसको फिक्स कर दिया जाएगा। चलिए कोई और ओपन करके देख लेते हैं, ये वाला ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका गूगल फॉर्म ओपन हो गया। याद रखिएगा जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको सबमिट करना होगा। किसी अदर स्टडी सेंटर पर सबमिट कर देंगे रिजेक्ट हो जाएगा, फायदा नहीं है। तो मेक श्योर इन चीजों का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। गूगल फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट आपकी जो है डिटेल्स आपको दी गई है। आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं किस तरह से आपको जो है असाइनमेंट सबमिट करने हैं, क्या आपकी गाइडलाइंस होने वाली है, किस तरह से आपको जो है नेम लिखना है। ये सब चीजें पुरानी है। अगर आप फर्स्ट टाइम इग्नू में असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपको पढ़नी कंपलसरी है। अदरवाइज आपके असाइनमेंट जो रिजेक्ट करने के चांसेस बहुत सारे जो है हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपकी दी गई है। तो मेक श्योर आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने से पहले इन सभी चीज़ों को जो है ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। आपके फ्रंट पेज की डिटेल्स भी यहाँ पे आपको जो है दी गई है। ये सभी डिटेल्स आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है बिफोर सबमिटिंग असाइनमेंट। आप इस सब चीज़ें पढ़े बिना ही सीधा ही अपनी PDF अगर यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो मेक श्योर इन सभी डिटेल्स को आप जरूर पढ़िएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इग्नू में असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आप पहले भी कर चुके हैं तब भी आपको डिटेल्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल जो है चेंज होती है डिटेल्स। तो इसीलिए सारी डिटेल्स आप पढ़े बिना अपने असाइनमेंट को बिल्कुल भी सबमिट मत कीजिएगा। सेकेंड चीज़, जो भी स्टूडेंट है हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, यहाँ पे सब आपको जो है डिटेल्स दी गई है किस तरह से आपको जो है अपनी हार्ड कॉपी को सबमिट करना होगा। यहाँ पे जो है देखिए सब कुछ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट किससे करना है, रूम नंबर, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको स्टिल अभी भी डाउट है, चाहे आप अपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो, चाहे आप अपने हार्ड कॉपी असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो, अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग, तो आपके पास अपने स्टडी सेंटर की लोकेशन दी गई है, आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही में आप जो है कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं, अपने स्टडी सेंटर से आपके टीचर्स जो है आपको मिल जाएंगे, आप उनसे जो है कॉल पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी जो है डाउट है तो वो जो है आपका डाउट क्लियर कर देंगे। इन सभी डिटेल्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई है, तो आप जो उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है रिप्लाई ज़रूर से मिल जाएगा। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा दिल्ली वन की जो आप गाइडलाइंस आ चुकी है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे ओपन कर पाएंगे।